मैं गुलाम कादर नायब सरपंच पंचायत हल्का कोटी जंडियार। आज हमारे यहाँ गांव में शादी थी तो बिजली गिरने से कोई 30 लोग जख्मी हो गए, उनमें से 15 लोग बेहोश हैं। तो कोई लोग हॉस्पिटल में लाए गए हैं तो कोई कईयों के घर में रखे गए हैं, जबकि हमारे हॉस्टल में एक ही कमरा है, दो बेड और बाकी लोग नीचे लटाए हुए हैं, तो बाकी बाहर बेंचों पे लटाए गए हैं। हमारी पीएचसी में दो कमरे हैं और दो बेड हैं, और हमने डीसी साहब से कई बार गुजारिश की, पीएमओ साहब से गुजारिश की, तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारी पीएचसी, हम जब गांव वाले मर जाएंगे तब मिल सकती है। तो ऐसी पीएचसी जब लोग ही मर जाएंगे तो हमारे को जरूर क्या इस पीएचसी की। हमारी इस कोटी चंडहर पीआईसी में एक ही कमरा है, जब से हमने जन्म लिया है आज तक तो हमने इस पीआईसी में एक ही कमरा देखा। यहाँ हमारे आज आसमानी बिजली गिरी जिससे तकरीबन 25 और 30 आदमी के बीच जो है नुकसान हुआ, इसमें से तकरीबन 15 आदमी जो है जख्मी हैं और कुछ जो है बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। यहाँ हमारे डॉक्टर साहब इस पीआईसी में ही बैठे हुए थे, वो खुद इसी एक ही कमरे में रहते हैं, और जो पेशेंट यहाँ हमने लाए हैं उठा के तो वो सब बेहोश पड़े हैं, कुछ बाहर हैं यहाँ साथ में मोहल्ले में, कईयों के अंदर रखे हैं, कुछ ब्रेंचों पे लटाए हुए हैं, कुछ नीचे लटाए हुए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई बार गए, कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि जितनी भी पीएचसी हैं आज तक बनी है, हर जगह की पीएचसी जो है वो कम्प्लीट हो गई है, लेकिन हमारे कोटी चंडियार की पीएचसी जो है ये आज तक ना किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जा दी और ना ही कोई इधर देखता है, क्योंकि यहाँ पीआईसी की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ मरीज़ मेरे ख्याल में नहीं है। इतने मरीज़ होने के बावजूद अगर वो एक ही कमरे में रहेंगे तो फिर ये पीआईसी किस लिए? हमने इस पीआईसी को क्या करना है? ये गवर्नमेंट पता नहीं सोई हुई है या क्या कर रही है। गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि हमारी इस पीआईसी की तरफ तवज्जा दी जाए, और गवर्नमेंट से हम ये अर्ज करते हैं कि जल्द से जल्द इस पीआईसी को बनाया जाए या तो उठाया जाए। हमारे यहाँ कई पेशेंट जो हैं जो नीचे पड़े हुए हैं, जो बेहोश हैं, इनका कोई पता नहीं ये बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। कईयों को बनी यहाँ से पालकी में उठा के ले जाना पड़ेगा, यहाँ ना रोड की कोई सहायता उपलब्ध है ना कोई यहाँ और कोई जरिया है। यहाँ से हमें हर एक पेशेंट को पालकी में उठा के ले जाना पड़ता है, यहाँ से तकरीबन 5-6 घंटे का सफर जो है हमें पैदल चल के जाना पड़ता है, फिर हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, या तो वो पेशेंट जो होता है वो आधे रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। अगर बड़ी मुश्किल से पहुँचा तो फिर हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ एक ही डॉक्टर साहब हैं, यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ रोडों की कमी है, यहाँ हर चीज़ की किल्लत है। डॉक्टर साहब एक जो है वो अकेला क्या करेगा यहाँ, उसके साथ 2-4 चपरासी हैं, बाकी तो इधर कोई तवज्जो देता ही नहीं है।